सुनो, कल मैंने खुद को सुना और वो जो मैं चश्मे वश्मे बना के जो नहीं बना रहा था, वो जो नाम पढ़ाया था हम, वो ऐसे चश्मे बना के स्पेक्टिकल्स गॉगल्स ये डबल नाम, वो सेशन मैंने खुद सुना कल सर। तो बहुत भारी न्यूज आया मैं देर तक, मेरे सुनते ही चौहत्तर हो गए, क्योंकि वो हमने कहीं फैलाया तो है नहीं, आप ही के बैच में खाली होता है वो, जिसने देखना देख लीजिए, उसको बस जल्दी जल्दी करके डिलीट कर देना। हाँ, और बढ़िया वीडियो बनाएंगे, पूरी पूरी प्रोनाउन की 6 घंटे की वीडियो बनाऊंगा प्रोनाउन। यस सर, यस सर, पूरे जितना पढ़ाए ना यहाँ पे वो इकट्ठा एक साथ पढ़ा के और उसकी पूरी वीडियो डाल दूँगा, और मैं खैर आप लोगों के बैच पूरे होने के बाद ये इंग्लिश इंग्लिश में ज़्यादा छोड़ भी दूँगा, हर एक चैप्टर की वीडियो डाल के छोड़ दूँगा। सर बढ़िया सर, बढ़िया। अभी मैंने कल एक वीडियो डाली है इन्फिनेटिव की, अगर किसी को मिल गई हो, इन्फिनेटिव की एक वीडियो डाली है जो मेरे ग्रुप पे वोकैब वाले ग्रुप पे उन्हीं लोगों तक गई है, बाकी मेरे को बोला गया पैरामाउंट ने कि सर दूसरी कंपनी का प्रचार अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ना करें। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हारा है। नहीं, मैं तो बहुत प्यार है, लोगों को रोजी रोटी खा गया। नहीं, मैं तो फिर भी सिलेबस पूरा करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक मार्टी पूरा करा के चला गया। क्या कह रहा है? नहीं संदीप सर, तो नहीं कह रहा, आप मेरी हिम्मत देखो कि मैं तुम्हारा लास्ट टाइम पे बनाया हूँ। तो जाली की बात कर रहे थे, तो जाली किस कलर की है? इट इज ब्लैक इन कलर। सो इट किसके लिए आया है? जाली के लिए, ठीक है। देयर इज अ क्या है? डॉग हूज नेम इज जाली। It is black in color. So for which item or thing or person it is regarded? It is regarded for jelly. मान लीजिए आपके घर के अंदर एक पौधा है और उसका नाम है प्लांट, और एक प्यारा सा पौधा है जो धन देने के सूचक के तौर पर काम आता है, मनी प्लांट होता है अक्सर चाहिए। सो मनी प्लांट आपके घर पर कोई आया और मनी प्लांट बहुत प्यारे तरीके से फ्लरिश कर रहा है, आप देखभाल करते हो, तो उसने कहा ओ यू हैव मनी प्लांट, इट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, इट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, इट फॉर मनी। ठीक है, हो गया इतना, चल जाएगा अगला चैप्टर शुरू कीजिए। क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, छोटा सा एडजेक्टिव भी कराऊंगा, नहीं एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेरे को इसका काम आएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन टैग, चलिए आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो ये मत बोलना सर कौन कौन करते हैं ये बता दो। ओके, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है टैग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैग? जो हम पोस्ट कर रहे हैं वो किसी और के पास भी भेजना, नहीं ये नहीं बोलेंगे, वो जिसको भेजा है वो सबको दिखाई तो दे रहा है, यानी अपने विचारों के साथ दूसरों को भी उस विचार के अंदर अटैच करना, जोड़ना। तो क्वेश्चन टैग का, टैग का मतलब होता है अटैच और कनेक्ट, और जब आप अपनी बातों के अंदर किसी छोटे से क्वेश्चन को भी साथ में अटैच कर देते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल क्वेश्चन टैग, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। जब आप एक सीधी सीधी लाइन बोल रहे होते हो तो वो सीधी लाइन फुल स्टॉप पे होती है, और उस फुल स्टॉप के बाद एक छोटा सा प्रश्न आप लास्ट में कंफर्मेशन के लिए या एम्फेसाइजिंग के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए या कंफर्मेशन के लिए डाल देते हैं, दैट स्मॉल क्वेश्चन इज नोन एज क्वेश्चन टैग। तो अटैच अ क्वेश्चन विद योर सिंगल सेंटेंस, आइदर टू कंफर्म और टू एम्फेसाइज योर सेंटेंस और व्हाट यू हैव स्टेटेड इज व्हाट वी कॉल क्वेश्चन टैग। अंग्रेजी समझ में आ रही है, हिंदी में बोलो वही बात बोलो। ध्यान ये रखना, अगर आपके पास जो सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। और अगर सिंपल सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। मान ली, और ये क्वेश्चन टैग विश्व परिदृश्य पे 2014 में आया,
विश्व परिदृश्य में ये 2014 में समझ में आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी अक्सर ये बोलते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी की? मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी? सो वो मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए, सिंपल लाइन है मिटनी चाहिए। जबकि क्रॉस फिर कर रहे हैं नहीं मिटनी चाहिए, तो उसी क्वेश्चन को पूछा तो पॉजिटिव लाइन बोल के कैसा पूछा, नेगेटिव करके पूछा, और नेगेटिव करके पूछता तो पॉजिटिव। जैसे उस दिन मैं उस बड़े बाउंसर एक लड़का भी पतला हमारे साथ, हाँ वो उसे मैं पूछ रहा था भैया, चल मैं तो किसे पूछ रहा था क्या आपने भांग खाना छोड़ दिया, कुछ उसमें हाँ भी नहीं आ रहा था ना, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा कैसे, मैं एक सिंपल सा उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ। यहाँ पे सबसे छोटा सा चैप्टर, हेलो स्टूडेंट, नहीं इसका नाम नहीं लिखा, मैंने बाहर से लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ यू आर नॉटी एंड फोर्टी, यू आर नॉटी एंड फोर्टी, तो बताओ नॉटी का मतलब क्या होता है? शरारती, नटखट, नटखट, और होती जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, पढ़ा रखा है वो वाला नहीं। अब बताओ तुम नटखट भी हो और घमंडी भी हो, नहीं हो क्या? कौन? तुम। तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप बनेगा, तो आर का नेगेटिव क्या बन जाएगा? आरन, तो आर प्लस नोट क्या बन जाता है? आरन, और सब्जेक्ट में क्या था? यू, तो ये बन जाएगा आरन टू यू, बात समझ में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास ये होता शीला इज नॉट मीटिंग, शीला इज नॉट मेकिंग सिरप फिल्ड रिंग, शीला इज नॉट मेकिंग सिरप फिल्ड रिंग, तो सिरप फिल्ड रिंग का मतलब होता है जलेबी। क्या मतलब होता है? जलेबी, ध्यान रखिएगा, जलेबी को इंग्लिश में सिरप फिल्ड रिंग बोला जाता है, समझ में आ गई? बता रखा है, घर से निकाल के लाना, आता है समोसे को क्या, समोसा बाई टू को। अब बताओ यहाँ पर इस और नोट, यानी वाक्य कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव का क्या लेना? पॉजिटिव, तो ये क्या रख देगा? इस शीला के लिए खुद को दे रखा, क्या ले लेंगे? ठीक है, तो ऐसे अगर शीला की जगह हीना आ जाए तो इस ही हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ ज्यादा दिमाग की बात नहीं करता। अब इसके अंदर CONCEPT कॉन्सेप्ट देखेंगे, आज की क्लास के अंदर केवल और केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी पूरी क्लास चलेगी, वो सारा रख देंगे। सबसे पहले बात, बी की जो फॉर्म होती है वो होती है इज, आर और एम, और इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनती है इजंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनती है aren't, और जब एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज करनी हो वो भी क्या यूज करनी होती है हमें? aren't। ये शायद मैंने आपको बताया भी था जब शॉर्ट फॉर्म बताते हैं टेंस के चैप्टर के अंदर, जब शॉर्ट फॉर्म बना रहे थे कि आई एम नॉट की जब भी फॉर्म यूज करनी होगी तो क्या यूज करना पड़ेगा? aren't यूज करना होगा। बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर, तो वाज नॉट का क्या बनेगा? वाजंट, और वर नॉट का क्या बनेगा? वर प्लस नॉट वर। उसके बाद आपके पास has, have और had भी आता है, जिसके साथ आपके साथ auxiliary not लिखी होती है not, तो यहाँ पर has not का hasn't, have not का haven't और had not का hadn't बन जाता है। ऐसे ही आपके पास do not का don't और does not का doesn't और did not का didn't होता है। साथ ही साथ ये बात और भी याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है?
साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों तो मेरे को पता कि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए तो उसका नेगेटिव कैसे बनता है। जैसे मैं कहूं आई स्पीक द ट्रुथ, ये बात झूठी भी है। आई स्पीक द ट्रुथ तो अगर मुझे मैं कहता हूं मैं सच नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक द ट्रुथ या आई डोंट स्पीक द ट्रुथ, तो बताओ फर्स्ट फॉर्म का जो नेगेटिव बनेगा अगर पॉजिटिव है तो वो क्या लेना पड़ेगा, डू या डज नॉट, यस और नो। अगर मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डू और डज की जगह क्या आ जाएगा, डिड, और नेगेटिव बनाना हो तो क्या लग जाएगा, नो। अब आप कहोगे सर ये जितना लिखा है एक एक क्वेश्चन कम से कम करवा दो जो हमें समझ में आ जाए, और एक एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लो जो हमसे गलत हो जाए जिसको आप ठीक करना समझा सकते, करवा दो। यस सर। आपको अगर रीजनिंग का डायरेक्शन का चैप्टर ठीक से आता है तो ये चैप्टर बिल्कुल ढंग से समझ लो। डायरेक्शन आता है डायरेक्शन में साउथ ईस्ट और साउथ में कितने डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि डायरेक्शन में यू याद करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। बात खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर एक, मैंने लिखा आई एम वेटिंग फॉर हर स्लैश ये डैश। चलो मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ, आप फटाफट इनको नोट करते जाओ और फिर एक साथ आंसर लिखने की राइट टर्म से, ठीक है। और एक लिख देता हूँ आई एम नॉट क्रेविंग फॉर हर, अगला देखिए द स्टूडेंट्स आर नॉट क्रेजी। क्वेश्चन नंबर फोर इट इज रेनिंग आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर फाइव there are a number of projects in my hand. Question number 6 these criteria were to be accepted. Question number 7 Rancho and Raju. Rancho and Raju were discussing each other. Question number 8 Shimla was cooler than Delhi last night. This is the usual sentence. आस पास का गाजियाबाद लिखो। चलो चलो। तो आपको समझ में आ रहा है कि am है, positive है, क्या बनेगा? Negative। तो am not का am end हो जाएगा, are end हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? Are end। और आरण के साथ क्या जाएगा आई। दिस इज अ सिंगल केस वेयर वी यूज आर विद आई और आई विद आर, याद रखिएगा। और कहीं पे भी आपको इसका आई के साथ आर का इस्तेमाल नहीं करना। इट इज कैटेगोरिकली यूज्ड इन ओनली क्यूटी
ओके क्यू टी मतलब क्वेश्चन टैग। आई एम नॉट क्रेविंग फॉर हर, मैं उसके लिए नहीं तड़प रहा हूँ। तड़प रहा हूँ क्या? सो इस तरह की बात बोलनी है, तड़प रहा हूँ क्या, तो आपने बोलना है आई एम नॉट का ये नेगेटिव है, पॉजिटिव निकालोगे तो केवल का बच जाएगा एम, और एम के साथ क्या आ जाएगा आई एम आर। आपको पता है क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा कितने शब्द बाहर आते हैं? एक, और इसलिए आपको इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म करनी पड़ती है, दिस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। नहीं तो आप ये भी तो लिख सकते थे सर एम नॉट आई, सर ये भी तो आंसर आ सकता है। नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा कितनी ऑक्सिलरी बाहर आती है? एक, तो कितने वर्ड बाहर आने चाहिए? एक, और एम और नॉट का सिंगल केस पॉसिबल, एब्रीविएशन पॉसिबल नहीं है, तो इंग्लिश इसको मान लेता है फॉर्मल इंग्लिश में। आरंट को एंट का इस्तेमाल ना करें ऑप्शन में लिखा जाए तो भी, बिकॉज एंट इज एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। एंट जो होता है वो एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। सुनते हो ना, पढ़ते हो ना, फेसबुक वगैरह पर आता है बहुत सारा, जगह मैगजीन में भी यूज कर देते हैं, न्यूज़पेपर में इवन यूज कर देते हैं। सो ये इनफॉर्मल है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ओके, अगला देखिएगा, द स्टूडेंट्स आर नॉट क्रेजी। स्टूडेंट्स क्रेजी नहीं है, बावले हैं। सो बताओ स्टूडेंट्स क्रेजी नहीं है, हैं क्या? कौन? स्टूडेंट्स। तो बताओ स्टूडेंट्स के लिए दोबारा स्टूडेंट्स आएगा या दे आएगा? ठीक है, और यहाँ पर आर नॉट लिखा तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव छाट लेंगे, ये क्या बन गया? हार दे मार दे जैसे भी। अगला देखिए, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही क्या? सर बाहर धूप आई है। It is sunny. It is a sunny day outside. It is a sunny day outside. Sunny का दिन है। तो isn't it? क्या लग जाएगा? Isn't it? There are number of projects in my hand. मेरे हाथ में बहुत सारे projects हैं। All number of projects में लिखा हुआ है। आप लेकिन यहाँ पर there का जब भी इस्तेमाल होगा तो question tag भी किससे बनेगा? There से। अगर यहाँ इज होगा तो इजंट देयर, आर होगा तो आरंट देयर, इजंट देयर होगा तो इज देयर, आरंट देयर होगा तो आर देयर। तो इसका मतलब आर देयर है तो आर का क्या बन गया? आरंट, और देयर का क्यू का यू लगा दोगे देयर। ओके, सो याद रखिएगा देयर का हमेशा क्या रहेगा? देयर। क्वेश्चन टैग सिंपल सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, दीज क्राइटेरिया वर टू बी एक्सेप्टेड। तो दीज क्राइटेरिया, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो ये प्रोनाउन क्या ले लेगा? दे, ठीक है, और वर है पॉजिटिव है तो वर का क्या बन जाएगा? वरंट, ठीक है, वरंट दे। अब बताओ नीचे रेंचो एंड राजू कितने लोग हैं? दो, दो के लिए ये क्या हो जाएगा? ही शी इट दे, दे, और फिर वह वर डिस्कसिंग दे रखा है तो वर का क्या बन जाएगा? वरंट दे। आ गया समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो, रूल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और ये पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से नहीं आएगा, नेक्स्ट स्लॉट से आएगा, जो अगले 8 क्वेश्चन, ये केवल और केवल पैटर्न सेट कर रहे हैं, अगले 8 क्वेश्चन की भूमिका तैयार कर। शिमला वॉज कूलर देन दिल्ली लास्ट नाइट। सो बताओ ये पॉजिटिव सेंटेंस है वॉज, तो वॉज का क्या बन जाएगा? वॉजंट। अब शिमला के लिए शी लगाऊं ही, इट लगेगा, क्योंकि नॉन लिविंग नॉन पर्सन सिंगुलर के लिए क्या लगता है? इट, तो वॉजंट इट। अरे शिमला के लिए शी लगा ले, अरे हिमालय के लिए ही लगा ले, शिमला किसी का नाम भी होता है और दिल्ली भी किसी का नाम भी होता है, और शिमला दिल्ली से ठंडी थी, यानी दिल्ली बहुत गर्मी थी। अच्छा लास्ट नाइट भी आया था बनी। कैसे बच्चे हो ये, शिमला किसी का नाम भी होता है, यूं तो कईयों का नाम केला देवी होता है। मुझे बताना आप में से जितने भी ग्रामीण अंचल से बच्चे हैं, आपके घरों में ना हो तो आस पड़ोस में देखे हैं या नहीं? होते हैं नहीं बच्चे? देखो ये ऐसे ऐसे नाम कुछ सुनता है। चलो इसका मतलब है इस तरह की नाम, इमरती देवी, संतरा देवी,
नाम ही संतरा देवी होता। तो इस तरह के नाम रहते हैं, कोई बात नहीं। राहत इंदौरी का बड़ा प्यारा मशहूर शेर है और हमने शायद सुनाया भी होगा, नहीं सुनाया होगा तो सुन लीजिए कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गाँव अमरूदों का मौसम है। और फिर पूरा का पूरा पंडाल ताली बजाता है। मुझे ये समझ में नहीं आया ऐसा क्या समझ में आया शेर, प्राकृतिक गुण की बात करें। खरीद के खाए हुए अमरूद और चोरी के खाए हुए अमरूद में स्वाद कौन सा देखो, सारे के सारे अलग मजा चोरी के खाने का, बिल्कुल चट मारे तारे में तोते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बचपन में तुतलाते थे, ज्यादा तुतलाते थे, तुतलाते तो हैं ही बच्चे। मैं मतलब मैंने कभी टॉफी नहीं बोल पाया, मैं टॉफी टॉफी ऐसे बोलता था। मेरे फादर आज भी बताते, मुझे तो ध्यान नहीं है, मैं बोला आज तो मेरे स्पष्ट वक्ता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। तो ध्यान दे, तेरे को रोज शाम को जब आते थे हम और तेरी मम्मी और मैं बैठते थे, गुप्ता इतना 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 ये सिखाते थे, अब तो फिर गड़बड़ करता था। जब बैठते ही माँ बाप के पास तो अपने बचपन की मेमोरी जब रिवाइव होती है आपके साथ, किया करो आप भी। अंदर का बचपना मारो मत भैया, टेंशन क्या होती है इस उम्र की, जल्दी से जल्दी हमारे हो जाए बच्चे। लेकिन तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं बनना चाहिए, जो अंदर है वही आपकी क्रिएटिविटी है, वही आपको जिंदा रखता है। शक्तिमान आप क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि मैंने यहाँ तक की बात कंप्लीट कर दी। बताओ किससे आगे मैंने अभी तक नहीं चला, सब में यही लग रहा है इज आर या वाज वर, पक्की बात यानी यहाँ तक की बात कंप्लीट हो। इसको लिख दिया मैंने सेट नंबर वन, सेट नंबर टू, ठीक है चार पांच सेट बनेंगे, पांच सेट के बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा फिर ये क्या करा रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन कर लो, इसको एट के बाद लिखते चले जाओ, 50-40 क्वेश्चन लिखवा दूंगा, उतने में से कोई भी रिवाइज कर देना, कुछ मत करना। क्वेश्चन नंबर नाइन, अगर मैं इसमें ये कहूँ आई शी हैज डिलीवर्ड अ वेरी फ्यू वर्ड्स, अ वेरी फ्यू वर्ड्स वर्ड्स अ वेरी फ्यू वर्ड्स और ये लग गया, तो शी हैज डिलीवर्ड, तो हैज डिलीवर्ड, बताओ ये हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ डिलीवर्ड क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ अब क्या लग जाएगा, नॉट, तो शी हैज नॉट डिलीवर्ड, उसने डिलीवर किए थे, बहुत कम शब्द डिलीवर किए थे, नहीं किए थे क्या, तो बताओ नहीं किए थे क्या, हैज डिलीवर्ड का क्या हो जाएगा, हैजंट शी। तो अगर आपके पास ये होता यू हैव नॉट कैरी द चार्ट, तुम चार्ट नहीं लाए हो, लाए हो क्या, डू यू या हैव यू, हैव यू, तो बताओ हैव नॉट प्लस कैरीड है, हैव ऑक्सिलरी नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा तो केवल क्या रह जाएगा, हैव, और यहाँ क्या है यू का क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दे हैव ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी गिवन अप, दे हैव ऑलरेडी गिवन अप द ऑनर्स, दे हैव ऑलरेडी गिवन अप द ऑनर्स, गिवन अप मतलब लीव छोड़ दिया है, फॉरसेक लीव एब्ज्योर छोड़ना त्यागना, ऑनर्स मीन्स जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उन्होंने पहले से ही जिम्मेदारी छोड़ दी थी, छोड़ चुके थे। तो बताओ हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
तो बताओ हेड किसका काम कर रहा है? ऑक्सिलरी का, और ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो नोट भी हेड के साथ लगेगा। अगर हेड के साथ नोट लगेगा तो क्या बनेगा? हेड एंड। क्या बनेगा? हेड एंड। सो ये बन जाएगा हेड एंड, और ये बन जाएगा दे, हेड एंड दे। ठीक है, हेड एंड दे, हैड नॉट द हेड एंड और दे का दे। ये 9, 10, 11 बने मेरे थैंक्स। आप बोले अब अगला सेट 3 क्वेश्चन के बाद 12। अगर मैं कहूं आई डोंट लाइक लाइज टू बी स्पोकन, आई डोंट लाइक लाइज टू बी स्पोकन, मुझे पसंद नहीं है क्या झूठ वो जो बोले जाए, ऐसे जो भी झूठ बोले जाए ऐसे झूठ पसंद नहीं है। आई ओनली लाइक, हाँ हाँ, तो बताओ यहाँ पर ये क्या कह रहा है? डोंट लाइक, क्या कह रहा है जी? डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? लाइज टू बी स्पोकन। वर्ब तो यहीं से काम चल गया, बताओ नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। तो अगर मैं कहूँगा आई डोंट लाइक तो इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? आई डू लाइक, मुझे पसंद है, ये डू आई लाइक। तो बताओ इसमें से नेगेटिव का पॉजिटिव क्या बनेगा? केवल डू और बाद में क्या लग जाएगा? आई। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन नंबर 13 अगर मैं करूँगा तो दे डिड नॉट ऑपरेट द मशीन वेल, दे डिड नॉट ऑपरेट द मशीन वेल, उन्होंने अच्छे तरीके से मशीन को ऑपरेट नहीं किया था क्योंकि मशीन खराब थी, तो बताओ या दिमाग खराब था, तो दे डिड नॉट ऑपरेट द मशीन वेल। तो बताओ यहाँ डिड नॉट ऑपरेट लिखा है तो डिड नॉट का क्या रह जाएगा? केवल डिड, और ये क्या रह जाएगा? दे, तो बनाएगा डिड दे, डिड दे। अब क्वेश्चन नंबर 14, अगर मैं यहां पर लिख दूं शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स डज नॉट एडमायर, डज नॉट एडमायर एनी बॉय, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स डज नॉट एडमायर एनी बॉय। वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या लगा हुआ बच्चा? डज। सो क्या अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखो जरूर आता है, क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट। अभी ए सी बी और डी फिल इन द ब्लैंक में आएगा या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा? स्पॉटिंग उसमें स्पॉटिंग एरर में कम आता है। पहला ऑप्शन आएगा डू दे, दूसरा आएगा डज दे, तीसरा आएगा डू शी, और तीसरा आएगा डज शी। सो सबसे पहली बात तो देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव जाएगा, चार ऑप्शन कैसे हैं? पॉजिटिव। अब बताओ एज वेल एज में मेन सब्जेक्ट कौन होता है? शी। तो आपके सब्जेक्ट में भी यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था? शी। तो पहली बात तो ये और ये आंसर आ सकता है, ये और सी आंसर नहीं आ सकता, यस और नो। दूसरी बात, शी के साथ डू लगता है या शी के साथ डज लगता है? तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आंसर क्या आएगा? अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 सीधा सीधा पूछा गया, आई हैव अ साउंड नॉलेज, आई हैव अ साउंड नॉलेज, और फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी, और ऑप्शन आ गया हैव आई, हैवंट आई, डू आई या डोंट आई। I have second knowledge, sound knowledge. I have sound knowledge, logical knowledge, sensible knowledge. Sound का मतलब adjective के तौर पर होता है logical, rational. A sound mind lives in a sound body.
एक आवाज करती है बॉडी, तो आवाज चलानी है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर हैव मीन वर्ब का काम कर रहा है या ऑक्सिलरी का? मीन वर्ब का, क्योंकि यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म थोड़ी ना है, और अगर ये हैव ऑक्सिलरी होता तो हैव का हैवंट वगैरह बन सकता था, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ बुक, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डोंट हैव अ बुक। सो डू आता है या हैव आता है? आई हैव नॉट ए बुक बोलते हो क्या कभी? नहीं। सो डू या डज लगता है या डिड लगेगा, तो आपके पास डू आई या डोंट आई होना चाहिए। अब बताओ ये पॉजिटिव है, सो विच वन हैज टू बी टेकन इन टू अकाउंट? नेगेटिव, डी मस्ट बी योर आंसर। अब यही क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे करके आ गया, शी हैज नो सेंस, शी हैज नो सेंस, ए शी हैज नो सेंस, उसके पास कोई सेंस नहीं है, वो एक नंबर की नो सेंस है, ये लिखा है। नहीं नहीं आप मत घबराओ, आप लोगों को नहीं कहूंगा। Has she, hasn't she, do she, does she, E, don't she, F, doesn't she, F, G, बस छः ऑप्शन आपके पास, कोई पांच सही है बताओ, सॉरी कोई पांच गलत है बताओ। वेरी गुड, हैजंट किस किस का आंसर आ गया? वेरी गुड, गलत है, शाबाश करण भाई, आंसर बताओ। अब बताओ ये नो क्या काम कर रहा है वाक्य को? नेगेटिव, तो पक्का यहाँ पे कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव, तो नॉट 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 नहीं आएगा, पक्की बात। छह में से तीन आउट, यस डी होगा, डी से। अब बताओ यहाँ पर ये हैज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है या ऑक्सिलरी का? कैसे पता चलता है? अगर ऑक्सिलरी होगा, हेल्पिंग होगा, तो मतलब मेन भी तो साथ में लिए बैठा होगा। अगर अपने साथ में कोई नहीं लिए बैठा, तो उस दुकान पे जिस पे मालिक नहीं है, तो उस समय नौकर ही मालिक की भूमिका निभा रहा है, ऐसे। और अगर ये मालिक है तो मैं कहूंगा शी हैज सम सेंस, तो इसका नेगेटिव बनेगा शी डजंट हैव सम सेंस या एनी सेंस, यस और नो? तो बताओ हैज का क्या बनेगा? ये डज, और हैज नो नेगेटिव है तो क्या बनेगा? पॉजिटिव, डज शी, क्या बनेगा? डज शी। और यही क्वेश्चन पेपर के अंदर अगले शब्द के अंदर जो है, अच्छा सर यही क्यों है? बस देखो इसके अंदर एक और खेल हुआ, क्या हुआ? नीचे वाला रहने दो, नीचे वाला रहने दो भाई साहब, मेरी बात करो अगला देखो, नहीं कहीं तो किसी बच्चे का फोन आ जाए और आ रहा है नीचे, नहीं बता देता तो ज़्यादा मजा। हाँ भाई आ रहा, हमारा नहीं आता तो मेरा क्या कर ले, क्लास मार दिया। कौन सा था? मैं। चलिए अगर यही क्वेश्चन आपके पास ये आ गए, दे हैड फेस्ड several problems तक ए, और ये क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 लिख लेना, और ये ए 17 के अंदर बी, दे हैड several faces, दे हैड several faces, या फिर रावण और रावण के भाई के जहाँ बहुत सारे फेस थे। और आजकल इंसान भी ऐसा हो गया है, एक चेहरे के पीछे छुपे होते हैं 10-20 चेहरे, एक चेहरे के पीछे छुपे होते हैं 10-20 चेहरे, पता ही नहीं चलता इंटेंशंस क्या है।
नेता सबका तो रहता ही है, ये तो एग्जांपल लेने के नाम लायक भी नहीं है। जनरली कोई भी भाषा के अंदर अपन इंसानियत मर चुकी है, सामने वाला अपना फायदा निकालने की सोचता है। हम कॉरपोरेट लेवल पर हमें अपने दर्द होते हैं, आप अपने लेवल पर हो तो आप अपने कॉपी मांग के देखो किसी से, जिसकी बिल्कुल चार चुकी कॉपी होगी, एक आदमी तो ऐसा होगा अरे अपनी कॉपी तेरी कॉपी एक ही ले। आज भी कुछ लोग ऐसे जीवित हैं सर साहब, मैंने नहीं वो बदलाव, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं ना तो कॉपी दे दूंगी पर है ना कल बात में ना मैं कॉपी लाएंगी नहीं नहीं आपस में नहीं ये कह रही थी ऐसी बात है आपस में उधार लीजिए देखे तो मैं तो ऐसे बॉयज के अंदर भी होता है बोला कॉपी क्या लेगा मैं तेरे को एक अगला देगी और ये डबल ब्लैंक का क्वेश्चन देखो कैसे आ जाता है कई बार ये आंसर बन गया सबका yes. तो अब छांट लेना आप नहीं तो नन ऑफ द अबव ले खाली बता से में हैड मेन वर्ब का काम करता है ये रहा मेन वर्ब और कौन से में हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है इस पक्का हैड के बाद थर्ड का तो बताओ नॉट किसके साथ पॉसिबल है मेन वर्ब के साथ नॉट लगता है या ऑक्सिलरी के साथ ऑक्सिलरी का हैड नॉट का क्या बनेगा यहां हैडंट हैड दे नहीं आएगा हैड एक आंसर क्लियर हो गया बी में देखो दे हैड सेवरल फेसेस उनके बहुत सारे फेस थे मैं कह रहा हूँ उनके बहुत सारे फेस नहीं थे दे डिडंट हैव सेवरल फेसेस उनके बहुत सारे फेस नहीं थे तो बताओ केवल और केवल हैज हैव को किस में बदलते हैं डू या डज में तो हैड किस में बदल जाएगा केवल डिड में तो आपके पास आंसर डिडंट या डिड आना चाहिए था हैडंट आंसर नहीं आएगा अब बताओ यहाँ हैड पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ क्या आना चाहिए नेगेटिव तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ठीक है अप्लाई अब देखो इसी की एप्लीकेशन के थ्रू और आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में ना आप 8-10 क्वेश्चन एक साथ समझ में आ जाएंगे इसको लिखा रहे हैं तो नकल मार लेंगे क्वेश्चन नंबर 80 शी क्रिएट्स little nuisance while being taught. She creates little nuisance while being taught. और क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए She creates a little nuisance while being taught. दोनों के लिए चार ऑप्शन है किसी में एक आएगा किसी में दूसरा आएगा पहला लिखिए डोंट शी मुझे बताइए इन चार में से 18 वाले क्वेश्चन के लिए ये चार ऑप्शन है 19 वाले क्वेश्चन के लिए ये चार ऑप्शन है मुझे बताइए बिना क्वेश्चन को पढ़े ये बताओ पहले कौन से दो ऑप्शन गलत हैं जो पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में वेरी गुड शी के साथ डू का इस्तेमाल नहीं होता डज होता है शी के साथ डोंट नहीं डजंट का इस्तेमाल होता है ए और डी ऑप्शन तो आएंगे ही पहले अब मुझे बताओ बी और सी में से क्या दोनों में सेम आंसर आएंगे या नहीं दोनों में सेम आंसर आएंगे या अलग अलग कौन कह रहे हैं अलग अलग आंसर आएंगे पहले तो ऐसे लोग हाथ खड़े एक दो तीन चार अलग अलग आएंगे वेरी गुड
क्या आपकी साहिल सर ने परसों क्लास ली थी? परसों क्लास हुई। ठीक है, परसों क्लास के अंदर क्या सर ने आपको दैट के स्पेशल केस बताए थे? और उसी दैट के स्पेशल केस के अंदर छह वर्ड पढ़ाए थे, लिटल आ लिटल, द लिटल, फ्यू आ फ्यू, द फ्यू बताया था, और इन छह के छह वर्ड को हमने एडजेक्टिव बोला था, और एडजेक्टिव के अंदर हमने बोला था लिटल और फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, न के बराबर, ये खुद कैसे नेचर के होते हैं नेगेटिव, तो अगर ये नेचर नेगेटिव होता है तो ये वाक्य को भी क्या कर देंगे नेगेटिव, क्योंकि लिटल या फ्यू के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब केवल और केवल मैंने यहाँ क्या लिख रखा है लिटल, तो लिटल शब्द क्या बता रहे हैं यहाँ पर, न, तो ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, शी क्रिएट्स लिटल न्यूसेंस व्हाइल बीइंग टॉल्ड, वो ना के बराबर न्यूसेंस क्रिएट करती है, करती है क्या, तो बताओ नहीं शब्द के साथ पॉजिटिव बनेगा, तो बताओ क्रिएट्स लगा हुआ है, क्रिएट्स के साथ क्या लगेगा डज, और ये क्या लगेगा शी, समझ में आया नहीं? आ गया। अगले वर्ड में देखो, शी क्रिएट्स ऑल लिटिल न्यूसेंस, तो ऑल लिटिल का मतलब क्या हो गया, कुछ यानी सम, और ऑल लिटिल किस नेचर का होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या बनेगा नेगेटिव, तो बताओ वो कुछ परेशानी पढ़ाते वक्त करती है, पढ़ाए जाते वक्त वो कुछ परेशानी करती है, न्यूसेंस यानी इरिटेशन क्रिएट करती है, नहीं करती क्या, तो पॉजिटिव का क्या बन रहा है नेगेटिव, तो बताओ ये क्या बनेगा, जैसे लिख लो फटाफट। एक एक पॉइंट जुड़ रहा है दिमाग में पक्का। क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी, ए है शी डिड हर टास्क और शी हैड सम टास्क, क्वेश्चन टैग क्या बनेंगे इनके? अच्छा बी वाला लेना, शी हैड नो टास्क, क्योंकि पहले से नो लगा हुआ है और नो का मतलब नेगेटिव, तो डिड शी, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। बता देना मुझे नहीं आया तो मैं दो चार कुछ और पैट नहीं कर, कम से कम एक चैप्टर बता दूं। ये देखो हैड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और जब भी हैड मेन वर्ब होता है तो किससे बनता है डिड से, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है नो नेगेटिव है तो क्या बनेगा पॉजिटिव, तो डिड बनेगा या डिडंट, डिड बनेगा।
ऑपरेशन ऑफ मॉडल्स, व्हाट शुड बी द मॉडल्स ऑफ रेंडी व्हाइल सॉल्विंग मॉडल्स. मॉडल्स ऑफ रेंडी एक फॉरेन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन. हाउ टू ऑपरेट द टास्क इज नोन एज मॉडल्स ऑफ रेंडी. अच्छा बताओ जी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं. बेसिक मॉडल्स विल, शैल, कैन, वुड, मे, माइट, वुड, शुड, शाबाश, ऑट टू, हाँ जी, डेयर नीड टू डू. ऑट टू के अलावा कुछ याद आ रहा है. मस्ट. अब बताओ डेयर नॉट और नीड नॉट. वेरी गुड. यूज टू. अब तो विल के साथ अगर आप अज्यूम कर लो नॉट लिखा हुआ है तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी. वांट. तो शैल नॉट की क्या बनती है. शांत नहीं शैंड. और कैन नॉट की क्या बनती है. कांट. और कुड नॉट की डंट. और मे नॉट की मेयर. और माइट नॉट की माइटन. वुड नॉट की ये कुछ रेयरली यूज होती है लेकिन इस चैप्टर के अंदर सारी याद करनी पड़ेगी आपको. रेयरली यूज है. माइटेंट आपको दिखाई नहीं देगा. मेंट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा. ठीक है. वुडन. शुड नॉट का शुडेंट. अब बताओ नॉट हमेशा पहले वाले के साथ लगता है. तो बताओ टू के साथ नॉट तो कभी लगता नहीं. तो ऑट के साथ नॉट लगेगा तो ऑट टू का केवल कितना सा बन जाएगा. वॉटन. ठीक है. मस्ट नॉट का क्या बनेगा. मस्टेंट. बोल के बताओ. Mustn't. Mustn't. Dare not का क्या बनाया था. इधर daren. तो need not का didn't. तो used to का हमेशा not किसके साथ लगता है. पहले वाले के साथ. used not का बनता है usedn't. ठीक है. कुछ दंड बैठे थे ये. अब और मॉडल तो और आएगी और अब बना लेना कर जाए कोई मॉडल की बात है. इतने बहुत है. 11 ही होते हैं. ये 11 हो गए क्या. अच्छा वो डेयर नॉट और नीड नॉट इतनी गिन नहीं रखे होंगे अपनी जिंदगी. 13 होते हैं. ठीक है. और इसलिए इसको ट्रिस के डे कप हो गया बोलते हैं. A fear from number 13 is known as Priscaideca phobia. बता रखा है या नहीं. Yes or no? Yes. कोई बात नहीं. जिसको नहीं पता वो लिख लो. तेरा के आंकड़े को दुनिया में कई लोग बुरा मानते हैं. ट्रिस का मतलब होता है 3, डेका का मतलब होता है 10 और कई का मतलब होता है जोड़. 3 + 10 कितना होता है 13. 13 के आंकड़े से डर लगना. A fear from number 13 is known as Priscaideca phobia. अब बोल के दिखाने. बहुत बहुत बस बस. सारे करके दिखा. पहले गर्ल्स करेंगे फिर बॉयज कॉम्पिटिशन. बस ये शरारत की उम्र चली जानी है. नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मेरी कह रही. चलो कितना हो गया. अब देखो आपके पास लिख लिया क्या सबने. लिख लो एक बार. चलो मैं इतना क्वेश्चन बना देता हूँ आपको. ऐसे हम शी कैन हैव. शी कैन हैव लिटिल इंजरीज. She
शी कैन हैव लिटिल एंड्योरेंस दे विल हार्डली दे विल हार्डली अचीव एनीथिंग. अगला लिखिए no one ought to celebrate this day अगला लिखिए nothing may be asked nothing may be asked और अगला लिखिए All the passengers could not have beaten the ticket check. सारे के सारे could not have beaten the ticket check. Sir, very few negative होगा या फिर positive? कौन? Very few. मैं देखो आगे वेरी फ्यू लिखा है द वेरी फ्यू के आगे अगर कुछ भी लगा हुआ है वो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन फ्यू अगर किसी के साथ नहीं है तो फ्यू का साथ देने वाला कोई नहीं है नेगेटिव लोनलीनेस जो होती है वो नेगेटिव होती है ऐसे याद है भाई अलोन लोनलीनेस बहुत ज़्यादा पीजिएगा तो अच्छा तुम 327 में हो ना सही पढ़ा रहा हूँ चलो शाबाश अच्छी बात कर लो कुछ बात कर लो ना अबे मैं तो ऐसे ही टोका टैकिंग कर रहा हूँ मेरा तो जी नहीं लगता चलिए she can have little endurance what is the meaning of endurance किसके अंदर endurance ज़्यादा है persistence endurance का मतलब persistence और दोनों का मतलब होता है सहन शक्ति ठीक है अक्सर कहा जाता है कि जो स्त्री है वो शक्ति का दूसरा रूप है तो अगर स्त्री शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति अगला देखिए आज भी कहा जाता है तो बताओ ये सिंड्रोम नेगेटिव है या पॉजिटिव चलो ये दोनों की दोनों बोथ ऑफ यू थ्री गर्ल्स बोथ ऑफ यू थ्री गर्ल्स सेंटेंस में कि एरर है या नहीं वेरी गुड बोथ और थ्री एक साथ नहीं, नहीं आते चलिए बताइए दोनों में से अकड़ पकड़ बताइए कैसे कैसे ये नेगेटिव है या पॉजिटिव अरे जो पूछ रहा हूँ कैसे पता चलता है ऐसे कर कैसे लेते हो तो ये केवल केवल क्या लिखा हुआ है लिटल और लिटल वर्ड क्या होता है नेगेटिव ठीक है तो इसका क्या बनाएंगे पॉजिटिव तो मतलब कैन का कांड रहेगा या खाली कैन ही रहेगा कितने कैन रहेंगे दिन में एक ही ठीक है अरे वो गिलास इन गिलास वाले विचार इसके आ रहे थे पक्का सर अपन तो बोतल के मुंह लगा देते सच में देना आपने कभी ट्राई किए पी ये आपको इसलिए देख रहे हैं मतलब कल्पना कर रहे हैं ये भी पी सकता है अरे जी अरे तो थोड़ी ना पड़ोस में किसके बैठे उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं पड़ोसी तो तू भी बैठा है थोड़ा थोड़ा बैठ थोड़ा चलो बैच चार्ज जिस दिन करेंगे उस दिन साथ चलो ठीक है कितने लोग चलना चाहेंगे मिल जाओ से और क्या ऐसे थोड़ी ना कंट्री करो ये करो कंट्री तो कर दी कर रहा हूँ बट रहे हो कंट्री कर आज क्यों ऑन कर रहा है एडजेक्टिव का इतना बड़ा चैप्टर छोड़ दिया मैंने कहीं आज पूरा ना हो गया नरेशन छोड़ दिया नरेश ने सुरेश से क्या कहा वो वाला चैप्टर जो होता है नरेश से तो सुरेश चलिए शी कैन हो गया पहला क्वेश्चन दूसरे का आंसर कौन बताएगा हैंड रेज करें बस दे विल हार्डली अचीव एनीथिंग हिंदी बताओ पहले हिंदी बोलो शाबाश दे विल हार्डली अचीव एनीथिंग वो मुश्किल से ही कोई चीज अचीव कर पाएंगे
यानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्डली किस नेचर का होता है और नेगेटिव का क्वेश्चन टाइम पॉजिटिव, तो बताओ ये विल है तो वोट लगेगा या विल ही रहेगा? विल दे, विल दे। अच्छा अब मैं खाली बोल रहा हूं उसका बनाना। दे डू नॉट नो द आंसर, दे डू नॉट नो द आंसर। तीन दे चार दे, ठीक है दो दे। अरे चलो पांच मिनट देखो। ऑल द पैसेंजर्स कुड नॉट हैव बीटन द टिकट चेकर, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुड नॉट, खुद नेगेटिव हो गया, केवल क्या उठा लेंगे कुड और कुड लिख देंगे। अब बताओ ही शी इट दे, ऑल द पैसेंजर प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्रोनाउन प्लूरल लगेगा, ठीक है। देखो नॉर्मल और नथिंग वाले केस के ऊपर बात करते हैं, अब थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करो। चलो दोस्तों नॉट लिख लो एक बार इसके अंदर, ताकि आपको सारे पॉजिटिव बना दिए मैंने। शी ought to respect and oblige them, या she ought to respect and oblige her mother in law, अच्छी माहौल ही हो गया है, शादी तो करेंगे पर सास नहीं होनी चाहिए। हेलो तो बताओ ought to respect आ गया, तो बताओ क्या बनेगा इसका? oughtn't, to नहीं लगेगा दोबारा से, एक ही चीज आती है कि बाहर oughtn't she, तो इसके अंदर दो ऑप्शन बन सकते हैं, oughtn't she, oughtn't to she, oughtn't she to, to वाला कोई केस नहीं लेना, क्योंकि ought के साथ to आएगा, जब किसी का इंटरोगेटिव बना के क्वेश्चन टैग में लाएंगे तो इंटर कितने शब्द बाहर आते हैं? एक बाहर आया और शी लगा था। तो अगर यही क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन बन के आया, यू यूज्ड टू यूज हर वैल्यूएबल्स, जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा यूज्ड, तो आपने सीधा सीधा लिखा यूज्ड। अब बताओ मैं एक बोल रहा हूँ यूज्ड टू यू, यूज्ड टू यू, या यूज्ड यू टू, यूज्ड टू यू, बस ये बनेगा, टू का इस्तेमाल नहीं है ना। अब आपके पास फुल स्टॉप वाले में अगर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, तो इंटरोगेटिव वाले में जो उसका सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसी के अंदर लिखें केस नंबर वन। पहले समझ लीजिएगा, पर्सन के लिए एवरी से दो शब्द, एमी से दो शब्द, नो से दो शब्द और सम से दो शब्द बनते हैं, आठ वर्ड कुल बनते हैं। वो बनते हैं एवरी वन एवरीबडी, no one nobody, someone somebody और anyone anyone।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमने पढ़ा था ये सिंगुलर नेचर के होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लगती है और इससे रिलेटेड एडजेक्टिव भी लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। क्या कर रहा था बता देना, वेरी गुड ले रहा परेशान कर देते हैं। चलो एक्टिव ला चुना। अगला देखो लेकिन क्वेश्चन टैग के अंदर ये आठ के आठ वर्ड क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के तौर पर किसमें चेंज हो जाएंगे, दे। तो यहाँ पर तो वर्ब जो होगी इसके साथ जो कनेक्ट होगी वो सिंगुलर होगी, बाद में क्वेश्चन टैग में वो किसके अनुसार हो जाएगी, दे के अनुसार लग जाएगी। ठीक है, अगला केस नंबर टू। ये तो हुए पर्सन के लिए, नॉन पर्सन के लिए आपके पास चार ही शब्द बनते हैं, एवरीथिंग, लवलो, नथिंग, नॉथिंग नहीं होता, समथिंग, 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 एनीथिंग, थिंग। यही गाना है सर, यही गाता है। इन चारों को ध्यान रखिएगा, इट में ही चेंज करना है, इनको प्लूरल में चेंज नहीं करना होता, ध्यान रखिए। दूसरी बात एक और, नो वन और नो बॉडी सेंटेंस को क्या बनाया जाएंगे, नेगेटिव, तो आगे कैसा बनेगा, पॉजिटिव। नथिंग भी अपने आप में सेंटेंस को क्या बना देगा, नेगेटिव, आगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पहले क्वेश्चन नंबर चार और पांच को एक बार बीच में छोड़ रहा हूँ, सात के बाद क्वेश्चन नंबर आठ लिखिएगा। क्या मैं बाकी का रेफर कर सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर पांच, अगर मैं कहूँ एवरीवन इज क्रेजी डैश ए बी सी डी, is he, are he, isn't he, aren't he, is they, are they, aren't they, amas they, aren't they, amas they, क्या है? किसमें चेंज हो जाता है, दे। पक्की बात, तो आंसर में क्या होना चाहिए, दे के अनुसार किस लगेगा, ये आर, आर, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, सॉरी देखे साथ क्या लगेगा, आर। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए आर फ्रेंड की। अब बताओ एवरीवन इज क्रेजी सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा, नेगेटिव। आगे समझ, दूसरा क्वेश्चन देखो, नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज impossible is the word, I am possible, self is, I am possible, ठीक है, पता नहीं किसने बनाया ये I am possible, ये am ये थोड़ी ना होता, बड़ा पूरा होता है, कहने के लिए होता है, तो इसमें बड़ी बड़ी बातें कह देंगे, कोई को मोटर इसमें पर, सोचो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग यहाँ का क्या बनेगा, दे या इट, इट, ये क्या लगा हुआ, इज, तो इट के साथ भी क्या लगेगा, इज, ये बताओ पॉजिटिव है तो ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, सेंटेंस का आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ टेंथ क्वेश्चन, एवरीवन एंड एवरीथिंग is immortal, sorry mortal, सारी की सारी चीज mortal है, mortal का मतलब नश्वर, और immortal का मतलब ईश्वर,
अमर 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 ईश्वर अमर बहुत बढ़िया भगवान करे तुम जल्दी से भगवान को दिला। मैं कितनी अच्छी अच्छी बात सोचता हूँ भगवान में, हमें ब्लेसिंग्स कितनी देते हैं, प्रेशर चाहे शराब बदुआ दे दो फिर ऐसी ब्लेसिंग होती है कि भगवान को जल्दी से जल्दी प्यारे हो जाते। Everyone and everything, जितने भी यहाँ बाबा के भक्त बैठे हैं, बाबा के भक्त दिखू ना कुछ हो गया, बाबा के भक्त गंजेरी अगला दिन आई मैं नहीं मैं कौन मैं नहीं मैं गाने वाले चरस चिलम थोड़ा कम कर आज तो मैंने छोड़ व्रत है माता का प्रसाद नवरात्रि और इस वजह से नींद नहीं आ पाती है। कभी भी आ सकते हो सर दरबार में, तो मैं कभी भी आ जाऊँ, मैं उनको कैसे छोड़ के आऊँ जो मेरे दरबार में हमारा दिल बड़ा है सब आपके पास केवल दिल। Everyone and everything is in mortal। अब बताओ every शब्द दो बार है तीन बार है सिंगुलर रहता है क्या रहेगा इस। अब बताओ यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है सर एवरीवन के अनुसार तो दे आएगा और एवरीथिंग के अनुसार इट आएगा क्या है? तो ध्यान इतना बड़ा किसको मानेंगे फिर पर्सन वाले को मान लेंगे ये क्या हो जाएगा ए और ए के अनुसार आर आना चाहिए ये पॉजिटिव है तो क्या मिल जाएगा नेगेटिव आर एंड ए ए बता रहे थे सुन गया था मेरे को आंसर क्योंकि कुछ बच्चों को पता है जमीन पर बात करेंगे लेकिन कुछ का पहले से ही पता है ये बात ही नहीं करेंगे है ना सर। हेलो सर तुम्हारा देखो अगर आप लोग बैठे हो तो कम से कम आप जिस भी शहर से हो कम से कम इंग्लिश इतनी तो पढ़ी जितनी पढ़ा सकते हो तो आपको रोजगार मिल गया जब तक के लिए इंग्लिश सिलेक्शन में अच्छा बता दूँगा और फिर भी अगर प्रॉब्लम आए मैं बता दूँगा पढ़ाते 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 इस कॉन्फिडेंस से है कि जो भी पढ़ाओ ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल दुर्ग होता है मैंने बनाया भी है जाके देख लेना यही कुछ चलो इतने समझ में आने के बाद क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर तीन पे आओ। No one ought to celebrate this day. किसी को भी ये दिन सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए चाहिए क्या चाहिए तो बताओ नहीं चाहिए। No one ought to celebrate this day. तो no one तो नेगेटिव है तो ये केवल और केवल ought not करना चाहिए केवल ought और अब इस ought की ऑफ में क्या है तो no one का क्या बनता है दे तो आंसर बनेगा ought दे और दे अगला देखिए नथिंग मे बी आज नथिंग मे बी आज मेरे पता है यार इससे पता कि क्लास थोड़ी दिन जा रही है क्यों कुछ नहीं मैं समझ में आना यहाँ पर इस तरह की चीजों के अंदर आपको इस तरह का इस्तेमाल करना होता है मर जाऊंगा भाई साहब दो ईटे उठा के लाया करोगे रोज क्लास से पहले नथिंग में भी आज तो पहली बार तो मेरा आंसर किसमें बनेगा नहीं नथिंग के लिए क्या लगेगा अब बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव क्या रहेगा पॉजिटिव तो आंसर क्लियर हो गया पूछेगा आराम से ठीक है कितने कुछ सेंटेंस हो गए हैं बहुत सारे हो गए तीस पैंतीस हो गए बीस तीस थर्टी पाँच मिनट हो रहा है उसके बाद एक दो मिनट का ब्रेक देंगे फिर ओह माय गॉड कोई बात नहीं तो कैमरा चल रहा होगा जैसा चल रहा है।
लाइट भी सही है जी, दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है? सब कुछ दिख रहा है सबको? एक मिनट, दिख रहा है? मैं कहाँ खड़ा हूँ, दिख रहा है सबको? दिख रहा भाई सब, नथिंग में भी आज में 8 प्लस माइनस ये सब जब नहीं दिखे। अच्छा एक बात तो, कब हमें दिखता और कब हमें नहीं दिखता? ड्यू टू लाइट, वेरी गुड। तो आप आप अपने मोबाइल फोन का कैमरा या क्या बोलते हैं सॉरी लाइट टॉर्च जो है हेडलाइट ट्यूबलाइट जो भी हो आपके दिमाग की वो जला लेना, चला लेना। और देख 5 मिनट का और है, 2 मिनट का ब्रेक तो देना ही था। विंडोज तो खोल ही देते हैं। और आप थोड़ी देर के लिए बताओ भाई, जनरेटर चलाओगे क्या? जनरेटर चलेगा? शाबाश चलाओ। अब देखो इंपैरेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस कई टाइप के होते हैं। देखो आपको मैंने एक्टिव पैसिव में भी इंपैरेटिव सेंटेंस बताए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा और बढ़िया से बताता हूँ। और क्योंकि उसका इंपैरेटिव का जैसा मूड होगा वैसा ही मॉडल्स लेगा वो। सबसे पहले देखिए ऑर्डर या कमांड वर्ब। ऑर्डर या कमांड में अगर ऑर्डर पॉजिटिवली दिया है तो उसका जो आप क्वेश्चन टाइप बनाओगे वो कैसा बनाओगे? नेगेटिव। और अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव में ऑर्डर दिया है तो उसका क्वेश्चन टाइप कैसा बनाओगे? पॉजिटिव। का ऑर्डर या कमांड में अगर मैं कहूं ओपन द वीडियो, जल्दी खिड़की खोलो, नहीं खोलोगे क्या? तो आप बोलोगे ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, नहीं खोलोगे क्या? तब फ्यूचर में वॉन्ट यू क्या बन जाएगा? वॉन्ट यू। अब बच्चा पूछ लेता सर ये यू कहां से आया, क्योंकि ओपन द विंडो किसने करनी थी? यू ने। इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर हिडन सब्जेक्ट कौन होता है? यू। तो इसलिए ये क्या आ गया? यू। हे यू, समझ में आया? ये ओपन द विंडो कैसा है? पॉजिटिव। तो कैसा बन गया क्वेश्चन टाइप? नेगेटिव। तो याद रखिएगा हमेशा इंपैरेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा वांट यू। कि यहां पर ऐसे ही बोलो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिवली वांट यू बनेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं डोंट डू दिस, ऐसे मत करो, सॉरी इसे मत करो, तो डोंट डू दिस, इसे मत करो, करो विल यू। तो पॉजिटिवली आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा? विल यू। ठीक है। अब दूसरे टाइप के जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं बिनाइन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस आते हैं। और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस में पता कैसे चलता है कि इसमें रिक्वेस्ट है कम हो या ज्यादा? रिक्वेस्ट का पता कैसे चलता है? पी एल जेड से, पी एल जेड। थोड़ी रिक्वेस्ट हो तो पी एल जेड, और ज्यादा रिक्वेस्ट हो तो पी एल जेड। प्लीज या काइंडली जो शब्द होते हैं उनसे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की अनुभूति हो रही है। और जैसी अनुभूति होगी वैसा ही
please do this. जब भी अपन रिक्वेस्ट करते हैं तो कभी भी क्लोज क्वेश्चन नहीं करते, और इसलिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा पॉजिटिव में बनेगा और वो हमेशा बनेगा गुड इवनिंग, क्या बनेगा गुड इवनिंग। वुड यू हेल्प मी बोलते हैं, वुडंट यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, मतलब हम कहना चाहते हैं वुड यू का मतलब सेंस ही आता है प्लीज तुम मेरी कृपया हेल्प करोगे। कभी भी चुनौतीपूर्ण अंदाज में यानी चैलेंजिंग अप्रोच में नहीं बोलते कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, अपन हाथ जोड़ के ऐसे नहीं, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, ऐसे नहीं बोल सकते। मदद करने की गुहार बड़े पॉजिटिवली बड़े सकारात्मक तौर पर की जाती है। तो बेशक प्लीज डोंट ओपन द विंडो या डू दिस सो प्लीज या काइंडली के साथ लगा है, दोनों का आंसर क्या बनेगा गुड ही। सो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंटेंस का जो क्वेश्चन टाइप बनेगा वो बनेगा गुड ही। ठीक है भैया, भाई बहनों समझ में आ गया। उसके बाद तीसरे टाइप के जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं सजेशन, सजेशन या प्रपोजल। सो जवाब देते हैं इसमें अपन, आओ ये सब करें, आओ मूवी देखने चलें, ठीक है, आओ होली खेलें, कुछ ऐसा चलें। तो आओ जो शब्द होता है वो बनता है लेट्स या लेट अस। तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे लेट्स या लेट अस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो सजेशन या प्रपोजल की क्या है। अगर मैं कहूं लेट्स प्ले होली तो हम कह रहे हैं आओ होली के लिए, कौन हम सब होली के लिए, आओ हम सब होली के लिए। सब्जेक्ट कौन है तो बताओ, सजेशन के लिए हमेशा आपके पास क्या लगेगा शैल बी, क्या लगेगा शैल बी, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ अस खेलेंगे क्या, तो वी लगेगा और वी के साथ विल या शैल में क्या लगता है शैल, फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में चली जाएगी शैल बी। अगर इसको अपन ने यू बोला लेट्स नॉट इरिटेट द चिल्ड्रन, आओ चिल्ड्रन को इरिटेट ना करें, यानी कि हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कोई काम न करने के लिए, ये भी एक अच्छी बात है और ये भी अच्छी बात क्या रहेगा शैल भी करेंगे क्या, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हमेशा कैसा रहेगा आपके पास सजेशन पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास क्रॉस केस कब होता है, जब एक अधिकारी छोटे से बात करता है, मम्मी पापा बच्चे से बात करते हैं तो ये होते हैं और बोलो वीडियो लेकिन जब आपके रिक्वेस्ट के अंदाज में होती है बेटा ये काम करते करेगा ना, अच्छा याद रखना बाबू डिफरेंट भी डिफरेंस क्या है बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, बहुत बड़ा शाम भी बता देगा इतनी बात।
भाई पानी वानी पी लो। वो एक टीचर है हमारे, वो बात बात में कह रहे थे स्कोर देगी आखिरी दिन तुम्हें बस बढ़िया कहीं बढ़ा दिया ना एक पॉइंट हरा याद नहीं कहीं से कैसे पढ़ के आता चल अब ये बताओ पांचवें सेंटेंस के तौर पे लेट से ही बनाओ लेकिन अस ना बनाओ तो अगर मैं कहूँ लेट हिम प्ले उसे खेलने दो तो मैं किसे कह रहा हूँ तुम्हें कह रहा हूँ कि उसे खेलने दो यू लेट हिम प्ले ठीक है जी उसे खेलने दो नहीं खेलने दोगे क्या वॉन्ट यू क्वेश्चन ठीक है अगर मैं कहूँ लेट शीला डांस शीला को डांस करने दो तो बताओ यहाँ वॉन्ट हर आएगा या वॉन्ट यू वॉन्ट यू शीला को डांस करने दो कौन तुम डांस करने दो वॉन्ट यू नहीं करने दो क्या लेट देम एक्ट एक्स्ट्रावेगेंटली उन्हें पैसे उड़ाने दो उन्हें पैसे उड़ाने दो और शीला को तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा बस ठीक है ये चैप्टर था ब्रेक है आप सभी लोग इधर जाइए।